ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। जजमेंट ऑफ भावा वीडियो सीरीज में हम जानेंगे सेकंड हाउस लॉर्ड की कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट में क्या रिजल्ट रहते हैं इसी सीक्वेंस में। बाकी वीडियोस गौतम डीके एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे लर्न एस्ट्रोलॉजी या जजमेंट ऑफ भावाज में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड हाउस होता है धन भाव। ये भाव है धन का, स्पीच का, क्रोध का, फैमिली का, कुटुंब का। सेकंड हाउस सिग्निफाई करता है आपकी इमीडिएट फैमिली, फेस, राइट आई, खाना जो आप खाते हैं, वेल्थ, बैंक बैलेंस, लिक्विड एसेट्स, सेकंड मैरिज, गोल्ड, ज्वेलरी, टीथ, टंग, स्पीच, और इसको मार्का घर भी कहते हैं यानी कि डेथ। इस हाउस से आप टेस्ट को, टंग को, वेल्थ को देखते हैं। ये आपकी जिंदगी के ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो सेकंड हाउस का स्वामी यानी कि लॉर्ड इन सिग्निफिकेशंस को कंट्रोल करता है। इन सिग्निफिकेशंस को पूरा करने की जिम्मेदारी सेकंड हाउस के लॉर्ड की है। तो घर का मालिक कमजोर हो तो घर के सिग्निफिकेशन में कमी होती है, और घर का मालिक मजबूत हो, स्ट्रांग हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली बेनिफिक एस्पेक्ट से हो और स्ट्रांग हो तो घर के सिग्निफिकेशन में ग्रोथ होती है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बेनिफिक साइन नवांश या अच्छे नक्षत्र में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, केंद्रीय त्रिकोण में है या ओन हाउस या एग्जॉल्टेशन साइन में है तो सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन में ग्रोथ होती है, नहीं तो दिक्कत होती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भाव में हो वो आपको बताता है कि आपके सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन का सोर्स कहां पे है। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं सेकंड हाउस से वो कहां पे है वो उसका स्वामी बताता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में कुछ इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज पहले बता देता हूं। शाहरुख खान, लियो साइन। सेकेंड हाउस लॉर्ड बुध फोर्थ हाउस में मंगल और केतु के साथ। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल, सेकेंड हाउस लॉर्ड बुध यानी कि बोली, वाणी, कम्युनिकेशन। फोर्थ हाउस में जुपिटर एंड वीनस के साथ। राहुल गांधी, सेकेंड हाउस लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न यहाँ पे अभी फोर्थ हाउस में जा रहा है एरिस साइन में, वहां जाके ये नीच का हो जाता है। और ये राहु के साथ सेकंड हाउस में राहु है। सो दोस्तों इसको टॉपिक को जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फोर्थ हाउस क्या होता है। फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान है, जहां हमें सुख मिले, खुशी मिले, कंफर्ट मिले। क्या होता है, माँ का गर्भ होता है, आपकी माँ है, परिवार है, परिवार का सुख है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, जीवन के सुख है, मन के सुख है, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, प्राइमरी एजुकेशन, इमोशंस, माइंड, सेंटीमेंट्स, ये सब फोर्थ हाउस से जुड़े हुए हैं। सो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो तो जहां तक अपनी फैमिली वैल्यूज, संचित धन, पीस ऑफ माइंड, रियल एस्टेट, अपने घर को, अपनी मदर को इंपॉर्टेंस देता है, ये चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फोकस एरिया हो जाता है। काफी धन कमाता है, पैसे का सोर्स फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन से होता है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड, अपनी मदर की वजह से। फोर्थ हाउस पब्लिक है, सो पब्लिक से पैसा मिलता है, कोई पब्लिक फेम फिगर होंगे जहां से पैसा आएगा। पब्लिक से पैसा कैसे कमाएंगे, पब्लिक से पैसा उनकी इमोशंस को टच करके कमाएंगे, उनको सेंटिमेंट्स देके, उनको मैनिपुलेट करके कमाएंगे। फोर्थ हाउस मोक्षा ट्राइन का भी पार्ट है। सो जो पैसा आप कमाते हैं उसका श्राप आपको नहीं लगता या आपके लिए कोई मुसीबत नहीं लाता। केंद्र स्थान है सेकंड हाउस का लॉर्ड, यहाँ पे धन योग बनाता है। सो पैसे के मामले में दिक्कत देखने को नहीं मिलती। पैसा जमीन, जायदाद, एग्रीकल्चर लैंड की फॉर्म में सिक्योर रहता है। दोस्तों जातक को परिवार का सपोर्ट मिलता है, परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
रीजन हो सकता है कि परिवार के बारे में आप रिस्क लेने से नहीं डरते, परिवार पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देते। यही हाल इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे रहता है, जहां पे इन्वेस्ट करते हैं उस जगह के लिए लड़ने से नहीं डरते। ये आपका सुख स्थान है, सो ये लोग बड़े लग्जरी हाउसेस में रहते हैं। इन लोगों पे भगवान की कृपा होती है, इनको बड़ा घर, गाड़ी, लग्जरी, सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। फोर्थ हाउस मदर का घर है, सो ये लोग अपनी मदर से काफी अटैच रहते हैं, इनको मदर से हमेशा सपोर्ट मिलती रहती है। फोर्थ हाउस पब्लिक है, सो अगर ये पब्लिक डोमेन में है तो पब्लिक का सपोर्ट रहता है, पब्लिक इनसे इमोशनली अटैच रहती है। फोर्थ हाउस सेवंथ हाउस का टेंथ हाउस है, जो सो जनरली इनकी वाइफ भी प्रोफेशनल हो सकती है, उसकी अपनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। दोस्तों इनको वसीयत में प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। फोर्थ हाउस नाइन्थ हाउस से अष्टम रहता है, सो फादर के साथ कुछ इश्यूज देखने को जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ या फादर के साथ रिलेशन कुछ आपको अबनॉर्मलिटी जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो था जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में पोस्टेड हो। सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दूसरे हाउसेज में प्लेसमेंट देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते।